हाय गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज शैली आनंद टॉकीज पे ग्लैमर की दुनिया का चमकता हुआ सितारा आज हमारे साथ है। थोड़ा सा ज्यादा ही मेकअप हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ कहा आपने। तो दोस्तों आइए स्वागत करते हैं ग्लैमर की दुनिया का मशहूर चमकता हुआ सितारा जो आजकल हर किसी के सबका है प्यारा। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी प्यारी रिधिमा आनंद जी का। हाय मैम जी। हाय, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैम आजकल जहाँ भी देखते हैं, जहाँ भी सुनते हैं, वह नन्नी रिधिमा का ही। Hey, don't call me नन्नी। Oh, I'm sorry. I take back my words. I'm sorry, दोस्तों मैं तो भूल ही गई थी नन्नी रिधिमा। नन्नी रिधिमा अब बड़ी रिधिमा हो गई है। तो मैम आजकल जहाँ भी देखते हैं आपका ही जिक्र होता है। मैम थोड़ा सा तो आप मेरी बात सुन लीजिए, आप अच्छी लग रही है। देखो कैसे फेंकेगी मैम आप। नहीं मैं तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं ना उनको बुला रही हूँ। जल्दी जल्दी आइए, रिधिमा जी सामने आ चुकी है। जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए, आइए 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 ना। देखिए जल्दी जल्दी आइए, मिस रिधिमा आनंद आप सबके सामने आ चुकी हैं। जल्दी जल्दी आइए मैम। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैम, आप इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो, क्या लगाती हो आप? मैं मेरे को तो ना नेचर ने खुद इतना अच्छा रूप दिया है। मैं गिफ्टेड हूँ। और जो मेरी मम्मी है, माता जी शैली आनंद, माता जी है वो वो मेरे क्यूट चीक्स को ऐसे ऐसे करती है, चीकू चीकू। मैम चीकू चीकू करती है क्या आपकी मम्मी? चीकू आ गया, गालों पे करूं चीकू पीकू कुछ नहीं हो रहा। बहुत अच्छे गाल है आपके, चीकू चीकू। अरे मैम ये क्या आ गया, ये कौन सा डॉगी आ गया? ये डॉगी है नहीं है, ये मेरा बेटा है। ये कोई आपने पैट पाल रखा है क्या? पैट बोलते हैं। पैट नहीं होता मैम, पेट होता है। कहां की रिपोर्टर को उठा के लाया है मैं? देखो फिर पेटी। देखिए दोस्तों देखिए रिधिमा का छोटा पैट। चीकू पीकू किया तो ये चीकू आ गया। चीकू पीकू चीकू पीकू। मैम एक बात आप मुझे बताइए ना। पूछो ना। मैम जब आपको पहला ब्रेक मिला था ना, जब आप पहला ब्रेक आपको इस इतनी चमकती हुई दुनिया में जब आपको पहला वाला ब्रेक मिला था तो आपको कैसा लगा था मैम? आपको अच्छा लगा था जी? सब लोग मुझे देख के ऐसे कह रहे थे, ओ ये तो कोई अप्सरा आई है। वो इससे कितना चढ़ रही है मैम। सच में आप उर्वशी मेनका क्या लगते हो। और उन्होंने तो मेरी आंखों को देख के कहा था जैसे हिरन की आंखें, बड़ी 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 बड़ी। दोस्तों हमारे साथ रिधिमा है, ग्लैमर दुनिया का चमकता हुआ सितारा रिधिमा आनंद है। और देखिए वो बता रही है उनकी आंखें हैं बड़ी 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 बड़ी, है ना? बिना काजल के उनकी आंखें हैं बड़ी 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 बड़ी। और दोस्तों रिधिमा का जो एक अपना अंदाज है, वो एक अपना अलग ही अंदाज है, वो बेहतर एक अंदाज है। वो जो है गाती भी बहुत अच्छे है। मैम आप गा के सुनाओ ना। मैम आप गा के सुनाएंगी, आप पका लेगी आप। रिधिमा जी सुनाओ ना। मैम कैमरा टूट जाएगा, आप हीरोइन तो कोई जी। दोस्तों देखिए ये हीरोइन है, ये रिधिमा जी हीरोइन है सच में। व्हाट डू यू मीन बाय रिधिमा जी हीरोइन है? नहीं नहीं आप तो हीरोइन हैं। और रिधिमा जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मैं हीरोइन हूँ, उन्होंने खुद ही कह दिया मैं हीरोइन हूँ। अच्छा रिधिमा जी इतना इतना समय आप जो अपने को संवारने सजाने में लगाती हैं कभी, अच्छा आपकी पढ़ाई का क्या होता है? आप छोटी सी हैं, मतलब नहीं आप तो बहुत बड़ी हैं, पढ़ाई लिखाई भी कुछ की है या नहीं की है, या करने का कुछ विचार है, या ग्लैमर में ही चढ़ते चलते चले जाएंगे आप? एक्चुअली मेरी पढ़ाई बहुत हाई क्लास है। ये बहुत ही क्लास में हाई है। क्लास मतलब पता है आपको? कहाँ की रिपोर्टर मैम आप तो ग्लैमर की दुनिया का चमकता हुआ सितारा हो। मुझे बड़ी मुश्किल से आपके साथ एक मंच मिला है, क्यों मेरी रोजी रोटी छीन रही हो? मैं
इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ जिसका नाम है महान आनंद चीकू विक्की स्कूल। स्कूल भी चुना तो क्या। अच्छा ओहो, तभी आप इतनी अलग से हैं। आप तो क्या है, भीड़ में एक अलग ही चमकता हुआ नमूना हो। और मेरे स्कूल की खास बात ये है कि वहाँ के बच्चे बहुत कम हैं और मैं फैल के पढ़ती हूँ। दोस्तों रिधिमा जी वहाँ भी फैल के पढ़ती हैं और जहाँ जाती हैं वहाँ फैल जाती हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आज माँ बेटी की कॉमेडी आपको बहुत अच्छी लगी। तो मैं अपनी बेटी रिधिमा से कहूंगी कि अब कॉमेडी के अवतार से बहुत अच्छा है। कॉमेडी के अवतार से बाहर आ जाइए और दिखा दीजिए अपना असली रूप। दोस्तों आज हम दोनों माँ बेटी ने एक कॉमेडी वीडियो बनाया था क्योंकि चुटकी यानी रिधिमा आज हमारे पीछे सुबह से पड़ी हुई थी कि आप हमको समय तो देती ही नहीं है, आज मैं बुआ के साथ नहीं आपके साथ कॉमेडी वीडियो बनाऊंगी। अभी मुझे तो कॉमेडी करनी बिल्कुल आती नहीं है क्योंकि इनकी शिकायत थी। अच्छा कर लेती हूँ मैं, अच्छा कर लेती, सीख जाऊंगी मैं, कृपा बरसाएंगी है मुझ पर। तो अच्छा गेस कीजिए कहाँ से आया कृपा बरसाएंगी। तो दोस्तों ये हमेशा अपनी बुआ के साथ वीडियो बनाती है, कॉमेडी का वीडियो बनाती है, मुझे कॉमेडी बिल्कुल नहीं आती है। मैं तो ज्यादातर संजीदा मूड पे रहती हूँ, लेकिन आज सुबह से इसने ये कहा कि मेरा एक वीडियो आपको बनाना है जो कॉमेडी वीडियो। मैं धीरे धीरे सिखा रही हूँ दोस्तों ये मुझे धीरे धीरे सिखा रही है। ये बच्चा बहुत अक्लमंद है, मैं बच्चा बड़ा अक्लमंद हूँ। तो आज वैसे मुझे ना पहले ये कॉमेडी, पहले मैंने इस पे गुस्सा किया कि नहीं 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 ये क्या हो रहा है, तो इसने ही मेरे पे गुस्सा किया। मैंने इन्हें बोरी में बांध दिया था। ब्लैकमेलिंग हो रही है, तो मेरे को ब्लैकमेल इन्होंने किया और इन्होंने ये कहा कि आप अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा टाइम दादू के साथ बिता रही हो, आप मुझे टाइम ये देखिए आ रहा है। मैंने हां कौन सी फिल्म में नदिया पे गंडर गदार, कौन सी गदार गधार, आप पता नहीं कौन सी फिल्म का है। मैम गलत फहमी होगी, नदिया के पार हुआ। सॉरी सॉरी मैं हिंदी नहीं जानती। तो अभी मैं रिधिमा जी को कॉमेडी मूड से बाहर निकालने के लिए बुला रही हूँ। रिधिमा जी अब बाहर आ जाओ अपने नॉर्मल मूड से, अब अपनी नॉर्मल जो आपकी बातचीत है अब बता दीजिए कि आपकी कॉमेडी सबको कैसी लगी, अच्छी लगी या वो बोर हो गए। आप जबरदस्ती तो उन्हें बोर नहीं कर रही हो, बोर नहीं होना है नहीं तो आप जानते हैं फोर स्क्वायर में मैं कौन हूँ। तो दोस्तों ये था कॉमेडी वीडियो शैली विद नहीं रिधिमा विद शैली, और आज मेरे साथ इतने जबरदस्ती मेरी कॉमेडी मुझे फनी बना दिया है इसने अपने साथ मिलके। तो दोस्तों बच्चे पे आशीष और स्नेह बनाइएगा, ये इसका असली रूप बिल्कुल नहीं है। असली में तो ये बिल्कुल नहीं, मैं बता देती हूँ असली में तो ये बिल्कुल बहुत अलग ही अलग ही है बिल्कुल। इसका जो आप डिफरेंट लुक है ये इसका एक शौक है, इसको कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है। ये कहती है लाइफ में हमेशा हंसते रहना चाहिए, इसीलिए अपनी बुआ के साथ भी कॉमेडी बनाती है। वैसे अगर असलियत में रिधिमा की रियलिटी की बात की जाए तो रिधिमा बहुत ही हैप्पी एक लड़की है, बहुत ही प्यारी सी गुड़िया है हमारी, और पढ़ाई में बहुत अच्छी और बहुत समझदार है। लेकिन ये इसका शौक है, ये हॉबी है, और ये भारती शर्मा को ये चाहती है कि मैं भारती शर्मा के सामने खड़ी होके कॉमेडी करूं, तो ये इसका एक शौक है। और हम सब इसके शौक को पूरा करने में इसकी मदद करते हैं। बाकी ये गाती भी बहुत अच्छा है अपने दादू की तरीके से, अभी लिखती नहीं है, अब ये सीरियस कुछ गाएगी और आपको पता चल जाएगा कि रिधिमा गाती है। कॉमेडी था, स्वागत है रिधिमा। भोर भये पनी घट पे मोहिनठ घट शाम सताए, भोर भये पनी घट पे मोहिनठ घट शाम सताए, मोरी चुनरे लिपटी जाए, मैं का करूं हाय 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 का करूं हाय राम हाय। कोई और गीत, एक और गीत। रिधिमा बहुत सुंदर गाती है, बहुत ही प्यारा गाती है, सीरियसली मैं आपको बोल रही हूँ रिधिमा बहुत अच्छा गाती है, कॉमेडी तो इसका शौक है। तो और मैं इसको कुछ गीत भी आता है, ऐसी बात नहीं है, इसको सिंड्रेला भी आता है, इसको सब कुछ। इसका सिंड्रेला जो गाना है इसको बहुत पसंद है। अच्छा कई बार मुझे पंजाबी समझ नहीं आती तो मैं इससे पूछती हूँ कि बेटा ये क्या है, ये पूरा मुझे बता देती है, वो कौन से सोनी सोनी क्या बताते हो, देखिए गा के सुनाएंगे आपको। लेकिन मैं एक और गाना चाहूंगी, जो मन है आज सुना दो। जी स्वागत है रिधिमा का।
ये गाना ये मैंने खुद लिखा है। अच्छा रिदि हैं सीक्रेट बिल्कुल पता नहीं था ये जी. मैं सही में अपनी डायरी में लिखती हूँ, इन्हें पता नहीं है। हाँ डायरी तो है। हाँ मेरी डायरी में मैं लिखती हूँ। हाँ तो ये गाना मैंने कुछ गानों से मिला के बनाया है। चोरी कर ली? नहीं नहीं अच्छा। ये अच्छा। मेरे वाली की शक्ल लगाया जी। तू ही है मेरी आशिकी। प्लीज ध्यान दीजिएगा ये संतोष आनंद जी की पोथी है जिसने अपना गीत जो है सुना लिया आपको। तू ही है मेरी चाहत। इसको बहुत आशीष और आशीर्वाद दीजिए। सफर तू ही है मेरा साथी। वाह तू ही सफर कहे दे तूने प्यार किया कि नहीं। कुछ नहीं मैंने ही कहा है कह दे कि तूने प्यार। अरे कितने किया कि नहीं दोस्तों वैसे सही मायनों में ठीक है ये गाना हल्का सा मैंने लिया है। मैं बता देती हूँ आज कल सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं से। मेरे को गाने सुनने में बहुत मजा आता है। मैं हर फिल्म के गाने सुनती हूँ। मेरे को नए बहुत पसंद है, पुराने बहुत पसंद है और बीच के पसंद है। वो भी तो गाती हो हम इंतजार करेंगे। हाँ, दोस्तों ये मीना कुमारी जी की फैन है। करेंगे बड़ी वाली बड़ी तेरा कयामत तक खुदा करे के कयामत हो और तू और थारे रही हो। हाय 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 वाह 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 सुनाओ अच्छे से सुनाओ। थारे रही हो ओ बागे अच्छा मैं आपको लास्ट टाइम एक पूरा गाना सुनाऊंगी। हाँ स्वागत है रिधिमा जी का वेलकम। हाँ तो ये गाना थोड़ा हिलिए कम तभी तो समझ आएगा ना तो सुरताल अलग अलग हो जाता है। तो ये गाना मैंने अपने प्यारी सी मम्मी के ऊपर लिखा है। ये लिखा नहीं है एक्चुअली सुना है। माई तेरी चून बीच में से शुरू कर रही हूँ। चुनरिया लहराए ये गाना ज्यादातर बहुत से आजकल लोगों ने सुना है। मैंने नहीं सुना। अच्छा मैं अब सुनूंगी ना। धीला लाइला माई तेरी चुनरिया लहराए माही तेरी चुनरिया लहराए माई वे माई वे। तो दोस्तों ये मैंने आधे आधे गाने गाए हैं। हमेशा गाना पूरा सुनाना चाहिए क्योंकि तो कौन सा सुनाऊं आप बताइए आपकी। मैं तो नहीं अगर मैं कोई भी गीत कहूंगी और वो पूरा नहीं सुना है तो मेरी बात तो रह जाएगी। दैट्स अ चैलेंज। अभी मुझे पता भी नहीं है इसको कितने गाने याद हैं। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है क्योंकि एक प्यार का नगमा है तो इसको याद है वो तो ये अच्छे से। एक्चुअली फ्रेंड्स मैं हर रोज गाने सुनती रहती हूँ। मुझे सुनती तो यही याद नहीं रहता कि कौन सा गाना मैंने कब सुना है। हाँ बिल्कुल लेकिन ये गाती बहुत अच्छा है। हाँ, आधा एक और याद है वो भी आधा ही है। हाँ वो मैंने एक वीडियो में देखा था जिसमें एक क्यूट पपी के ऊपर था वो। तो फ्रेंड मुझे गाते हुए थोड़ी सी हंसी आ रही है। हंसो मत तभी तो अच्छा गाओगे। और लेकिन मैं गाने का सोच रही हूँ। दिल है छोटा सा सही बात है छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा टन टन छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। और लास्ट का गाना चलते चलते का लास्ट का सफर वो एक लाइन सुनाऊंगी बहुत छोटी सी लाइन। आपको गेस करना है कौन सा गाना है।
कौन सा गाना है? हाँ गेस कर रही हूँ। हाँ हमें मार ही ना डाले, हो गया ये मैं हिंट इतना ही देती हूँ, जिंदगी भर मैंने किसी को हिंट नहीं दिया बट आपको दे रही है और अपनी मम्मी को भी। मुझे नहीं आया तुम्ही सुना दो ना बच्चे को, बच्चे को सुनाएगा ये मम्मी को सुनाएगा। हाँ अच्छा सच बताइए, सबको अपने मम्मियों से प्यार होता है कि नहीं? मुझे तो बहुत है। तो बहुत ही है मुझे। गाना तो सुनो। मेरा हेयर स्टाइल भी बिगाड़ दिया देखो। मैं बिगाड़ दिया आठ ना मैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ये वाला तो आप गेस करेंगी, आपने ये सुना है। क्या गाना है एक बार बताइए। किस्मत। लेकिन मुझे आता नहीं है। असी कल सुनाओ सुनाओ। बाकी मोर किस्मत देखिए कितना अच्छा गाती है। जो कल मेरी किस्मत थी वो आज किसी और की किस्मत है। आप देखिए दोस्तों ऐसे तो मेरे दिमाग में गाने आते ही जाएंगे। और ब्लॉग बढ़ते, ब्लॉग बोलते हैं क्या, ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग, हाँ तो वो बढ़ता चला जाएगा, जिसे अभी हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आज एक कॉमेडी का, एक चुटकी का, एक सॉरी रिधिमा का, एक मैं जट तेरा मन परेया। एक और भी तो है ना तुम गाती हो वो सारी दुनिया को छोड़ मैंने तुझको चुना, वो भी सुना दो, ये बहुत अच्छा गाती है। एक दिन ऐसा करेंगे कि हम वीडियो ब्लॉग मेरे गाने पे ब्लॉग बनाएंगे। बाकी मैं तो पूरी हीरोइन। चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।